हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमने अपने पार्ट वन वीडियो में परसेंटेज के कुछ ऐसे क्वेश्चन किए थे जिनमें हमें रिलेटिव परसेंटेज निकालनी थी। मींस ए की ए बी से 10% ज्यादा है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा, इस तरह के हमने रिलेटिव परसेंटेज के क्वेश्चन किए थे। आज हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें जो परसेंटेज है वो कंटिन्यूस परसेंटेज के क्वेश्चन है। मीन्स हमारे पास पहले 10% की वृद्धि हुई, फिर 10% की कमी हुई, या फिर पहले 10% की वृद्धि हुई, फिर 10% की वृद्धि हुई, तो उसका नया वेतन कितने प्रतिशत अधिक होगा या कितने प्रतिशत कम होगा, इस तरह के हमारे पास क्वेश्चन है। इस तरह के जो क्वेश्चन है आप उनको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ भी कर सकते हैं, और अगर आप किसी फॉर्मूले की सहायता से करना चाहते हो, थोड़ा टाइम बचाना चाहते हो, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं हमारे पास आज के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रमन के वेतन में 10% की कमी कर दी गई और पुनः कम हुए वेतन में 10% की वृद्धि कर दी गई। उसके आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नए वेतन में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो जो रमन का वेतन है, पहले उसमें 10% की कमी कर दी गई और फिर उसमें 10% की वृद्धि कर दी गई, तो उसका जो नया वेतन है वो कितने प्रतिशत कम हुआ या फिर कितने प्रतिशत ज्यादा हुआ, ये हमें कैलकुलेट करना है। क्योंकि परसेंटेज के क्वेश्चन है, हम उसका आरंभिक वेतन क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। हमने उसका आरंभिक वेतन क्या मान लिया, 100। अब 100 उसका स्टार्टिंग में 10% की कमी हुई, 100 का जो 10% होगा वो कितना होगा, 10। तो 10 की कमी होगी, 10% की कमी करने के बाद जो उसका वेतन है वो कितना रह गया, 90 रह गया। अब उसका जो वेतन है कितना रह गया, 90 रह गया। अब इस 90 पे 10% की वृद्धि की गई, इसकी 10% की वृद्धि, इसका 10% होगा 9, इसका 10% होगा 9, 9 की वृद्धि कर दी गई, तो इस प्रकार ये जो नया वेतन है वो कितना हो गया, 99। उसका आरंभिक वेतन कितना था, 100, और नया वेतन कितना हुआ, 99। तो 100 और 99 जब हम कंपेयर करेंगे तो पहले वेतन ज्यादा था, अब वेतन कम हो गया, तो कितनी कमी आई, उसकी कमी इसमें से माइनस करेंगे तो कमी 1 आई है, और हमारे पास हमने बेस क्या लिया था, 100। तो परसेंटेज जो भी आंसर आएगा वो 100 आपका परसेंट में ही आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 1% कमी, तो ये हमारे पास इसकी कमी आ गई। आप इस क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते हो, आपको सिंपल सा ये याद रखना है कि अगर कमी है तो उसके लिए माइनस यूज करेंगे और जो वृद्धि है उसके लिए प्लस सिंबल यूज करेंगे, और फार्मूला अप्लाई करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाय 100। इससे आपके पास परसेंटेज अपने आप ही आ जाएगी कि कितने प्रतिशत अधिक हुआ या फिर कितने प्रतिशत कम हुआ। देखते हैं x 10% कमी तो -10, y 10% की वृद्धि +10 प्लस, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, x की वैल्यू -10 है तो यहां -10 मल्टीप्लाइड y की वैल्यू 10 है, यहां पे 10 और बटे में 100, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली परसेंटेज में आ जाएगा। ये -10 और +10 आपस में कैंसिल हो गए, 10 की 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा, -100 और बटे में 100 कट जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -1। माइनस हमें क्या बताएगा कि कमी हुई है, और कमी कितने की हुई है, 1% की कमी हुई है। मीन्स हमारे पास जो ये फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाय 100, इससे आप जो परसेंटेज कमी है वो निकाल सकते हैं कि कितना प्रतिशत कम हुआ या कितने प्रतिशत अधिक हुआ। बस आपको ध्यान रखना है इसको सोल्व करने के बाद अगर प्लस आता है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपकी वृद्धि हुई है, और अगर ये माइनस का आता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कमी हुई है। अब आपको अगला क्वेश्चन देखते हैं तो कितनी आसानी से कितनी जल्दी सोल्व हो जाएगा। किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि, पहले 20% की वृद्धि हुई और फिर 20% की कमी हुई, कमी हुई, उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। पहले 20% की वृद्धि हुई,
एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाय 100, पहले 20% की वृद्धि प्लस 20, फिर 20% की कमी माइनस 20, प्लस एक्स वाई 20 और इसकी गुणा कर देंगे माइनस 20 के साथ और बटे में 100। अब आप इसको सोल्व करेंगे, ये 30 के साथ कैंसिल हो गया, 20 की 20 के साथ करेंगे 400, तो ये माइनस 400 बटे में 100 हो जाएगा, माइनस 400 बटे में 100 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस 4। तो माइनस के लिए हमारे पास कमी हो गया और 4% कमी होगी हमारे पास। ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों सेम हो तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, आप कहीं पर भी इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। मान लो पहले 10% की वृद्धि हुई और फिर 20% की कमी हुई, इसके लिए भी लागू होगा, पहले 10% की वृद्धि हुई फिर 20% की वृद्धि हुई, तो यहाँ पे दोनों क्वांटिटी प्लस की आ जाएगी, एक्स भी प्लस का आ जाएगा वाई भी प्लस का आ जाएगा, तो भी जो भी आंसर आएगा आपके पास वो आपको मिल जाएगा इस फॉर्मूले से। तो आज के लिए हमारा जो फॉर्मूले की सहायता से अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं तो इन सभी क्वेश्चन के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो ये बनेगा। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, एक विद्यालय में एक वर्ष छात्र 10% छात्र बढ़ जाते हैं, दूसरे वर्ष 10% छात्र घट जाते हैं और यह क्रम चलता रहता है। तो यह क्रम चलता रहता है, अगर 2000 में सन 2000 में वर्ष 2000 में छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है, छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है तो वर्ष 2003 में छात्रों की संख्या में 2000 की तुलना में कमी या वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करना हमें। तो क्या स्टार्ट कहां से हुआ, 2000 से, 2000 में पहले 10% की वृद्धि हुई, 10% ये प्लस और फिर 2000 10% की कमी हुई, 2000 स्टार्ट से, 2000 से ये प्रोसेस शुरू हुआ तो तीन वर्षों का हमें लेके चलना है। 2000 से जब वृद्धि हुई तो 2000 में एक में कितने हो गई है 10% वृद्धि होने के बाद जो हमें मिलेगा, फिर 2002 में 10% की कमी होगी, फिर 2003 में 10% की वृद्धि होगी। लेकिन हमारा यह फॉर्मूला तो किसके लिए है, ये हमारा फॉर्मूला तो दो, जब दो दो लगातार दो कमी या वृद्धि है उसके लिए है, तो पहले हम दो वर्षों के लिए निकाल देते हैं। पहले है एक्स प्लस 10 माइनस 10 और प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 10 डिवाइड बाय 100। तो यहां से जब हम इसको सोल्व करेंगे ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस 100 डिवाइड बाय 100 कितना आ जाएगा -1%, तो इसका मतलब 1% की कमी होगी। अब देखो पहले वृद्धि हुई थी फिर कमी हुई थी, तीसरे वर्ष में फिर वृद्धि हो गई, तो अब हमने दो वर्ष का तो रिलेटिव निकाल लिया, दो वर्ष का रिलेटिव कितना हुआ -1%, तो -1% है और तीसरे वर्ष में वृद्धि हो रही है तो वो 10% है। अब फिर ये फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिया, यही वाला फॉर्मूला, अब की बार एक्स की वैल्यू कितनी हुई -1 प्लस वाई की वैल्यू कितनी हुई 10 प्लस एक्स वाई की -1 की और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -10 हो जाएगा डिवाइड बाय 100। तो यहां से हमारे पास इसको जब हम सोल्व करेंगे -1 और +10 ये हो जाएगा 9 और ये कैंसिल होके 9 और -1/10 -1/10 हमारे पास 0.1 होता है, तो 0.1 या फिर उसको ऐसे कर लो 90 - 1 89 डिवाइड बाय 10 मींस 8.9%। अब आप देखेंगे हमारा जो साइन आया है वो प्लस का आया है, तो 8.9% की क्या होगी वृद्धि होगी, 8.9% की वृद्धि हो जाएगी हमारे पास। तो इस तरह से अगर चार वर्ष भी होते तो रिलेटिव दो दो के लिए हम कैलकुलेट कर लेते। तो ये था हमारा आज का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें हमें कंटिन्यूअस जो वृद्धि हुई है या कमी हुई है या एक बार वृद्धि हुई है और एक बार कमी हुई है, इस तरह के सारे क्वेश्चन के लिए हम अपने बेस फॉर्मूला से लेके उन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। और हमारा जो बेस फॉर्मूला है इसके लिए है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाय 100। तो इससे जो आपके पास प्रतिशत में कमी या वृद्धि दोनों ही अपने आप ही ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, अगर माइनस में आंसर आया तो कमी होगी और अगर प्लस में आंसर आया तो वृद्धि होगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, थैंक यू वेरी मच।